Bangladeshis are similar to ours. Sari and salwar kameez for women and kurta, sherwani, pajama, dhoti and lungi for men. Okay. The wearing habits and the kinds of dresses are very similar to that of our country, even in Bangladesh. As Bangladesh has many rivers and a sea coast, fish is easy to get and is a common food item. Fish is usually eaten with rice. हाँ, बांग्लादेश में चूंकि अनेक सारी नदियाँ बहती हैं और वह समंदर के कछार पे बसा हुआ देश है, इसलिए मछलियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। अतः बांग्लादेश के लोगों का मुख्य भोजन मछली और चावल है। श्रीलंका। Now the turn is of our another neighbor, that is Sri Lanka, that is situated, as you know, across the sea and in the south of our country. भारत के दक्षिण दिशा में समंदर के उस पार एक खूबसूरत देश है जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री लोकेटेड नियर द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। यस, श्रीलंका एक महाद्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में बसा हुआ है। द कंट्री इज मेड अप ऑफ फ्लैट कोस्टल प्लेन्स विद हाईलैंड्स इन इट्स सेंट्रल पार्ट। ओके, इस देश के उत्तरी क्षेत्र में टोटल कोस्टल प्लेन्स हैं, यानी समुद्री कछार हैं, और इसका जो मुख्य भूभाग है थोड़ा ऊंची भूमि पे बसा हुआ है। श्रीलंका हैज़ टू कैपिटल सिटीज, कोलंबो एंड श्री जयवर्धन वर्धनपुरा कोटे। ओके, श्रीलंका के दो राजधानी शहर हैं, उनका नाम है एक कोलंबो, जिसे हम पहले से जानते हैं आई बिलीव, और दूसरा एक उनका और शहर है जिसे वो राजधानी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और उस शहर का नाम है श्री जयवर्धन पूरा कोटे। कोलंबो इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री। ओके, द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका, आई मीन कोलंबो, इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ श्रीलंका। सिंगला एंड तमिल आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ श्रीलंका। ओके, देर आर सिंगलीज एज वेल एज तमिल्स दैट फॉर्म द सिटीजन ऑफ श्रीलंका एंड दे स्पीक सिंगली एंड तमिल एज वेल। दे आर कॉल्ड सिंगलाज एंड तमिल्स आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ श्रीलंका एंड बुद्धिज्म इज द मेन रिलीजियन। द साड़ी इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ श्रीलंकन वुमेन। द मेन वियर अ काइंड ऑफ लुंगी कॉल्ड सरोंग और सरामा। हाँ, वहाँ लुंगी को दूसरे नामों से जानते हैं, सरोंग या सरामा कहते हैं। राइस इज द मेन सीरियल ईटन इन श्रीलंका। It is eaten with spicy curries. Coconut is a part of many Sri Lankan dishes. The traditional way to serve food is on a banana leaf or lotus leaf, but most people now use plates. Okay. Sri Lanka में spicy भोजन लोग पसंद करते हैं और करी बनाकर खूब खाना पसंद करते हैं। जैसा कि आप समझते हैं, वहाँ पे कोकोनट का उत्पादन बहुतायत में होता है। स्वाभाविक है कि नारियल विभिन्न रूपों में उनके भोजन में शामिल होता है, चाहे वह चटनी हो या उसका तेल हो या मिठाई बनाते हैं। इस तरीके से मुख्य रूप से नारियल उनके भोजन का एक अंग है, और परंपरागत तरीके से केले के पत्ते या कमल के फूल के पत्ते पे वो लोग भोजन करना पसंद करते थे। अब डेवलपमेंट के साथ थाली भी उनके लिए उपलब्ध है और उसमें भोजन करना पसंद करते हैं।
So this is very brief introduction about these countries, which are our neighboring countries. When we will meet together once again in the classes, if you have any particular interest about our neighboring countries, we will have a discussion and we'll go for more of the information about these countries. Thank you very much. Happy learning.